सत श्री अकाल। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो जो मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब का वो मैंने अपलोड किया था, उसके अंदर कुछ जीके के क्वेश्चंस मैंने KBC11 से लेके उसमें अपलोड किए थे। उस सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही मैंने डाले थे, रीजन बिंग कि उसमें क्या है कि मैं सारे क्वेश्चंस रिजली पुटअप नहीं करना चाहता कि जो इजी क्वेश्चन है वो आप इजीली उनको समझ सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। सो मैं KBC11 के जो सारे क्वेश्चंस पुट आउट नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ जो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं वही पुट आउट करूंगा, वही आपके सामने रखूंगा और उनके बारे में बेहतर से बेहतर डिटेल आपको देने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जितना मैं आपको डिटेल में किसी भी क्वेश्चंस जीके के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चंस के बारे में बता सकूं, जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिटेल में बता सकूं। सो मेरा मोटिव ये है, मेरा मोटिव ये नहीं है कि KBC11 के क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे डालूं और फ्रेंड जोन का आपके साथ में गेम खेलूं, ऐसा कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ जो एपिसोड 3 और 4 में से मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, बाय डेफिनेशन ए बॉटनिस्ट इज मेनली कंसर्न्ड विद व्हाट, मीन्स एक बॉटनिस्ट जो होता है कि वो किससे कंसर्न करता है। इसके लिए KBC11 में 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था बोट्स, दूसरा रोबोट्स, तीसरा प्लांट्स और फोर्थ वन जो था बोटल्स। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे 12th क्लास के अंदर अपने पास में 11th और 12th में अगर कोई साइंस बायो को सिलेक्ट करता है तो उनके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं बायो के, जूलॉजी और बॉटनी। सो बॉटनी जो रिलेटेड होती है प्लांट्स वगैरह सबसे रिलेटेड होती है, जो उसको बॉटनिस्ट जो होता है वो जो प्लांट से रिलेटेड जो स्टडी करता है उसको बॉटनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बॉटनिस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन रामायण मेघनाथ और अक्षय कुमार वर सन ऑफ विच क्वीन, मीन्स रामायण के अंदर जो अक्षय कुमार और मेघनाथ जो बच्चे थे वो किसके थे। सो इसके अंदर मैंने आपको बेटर डिटेल में बताने के लिए यहाँ पे टिप भी दिया है, डिटेल लिखा है येलो के अंदर, येलो बॉक्स में, इसमें क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मंदोदरी के जो थे 3 बच्चे थे, तीनों के नाम थे मेघनाथ, अक्षय कुमार और आतिके, ठीक है। सो इसका राइट आंसर होगा मंदोदरी, और मंदोदरी ने शादी जो करी थी वो रावण से शादी करी थी। मंदोदरी के बारे में एक मिथ और है कि जब रावण ने माता सीता को जो उठा के लेके आए थे तो मंदोदरी और रावण के बीच में लड़ाई हुई थी, उन्होंने बोला था कि सीता को आप वापस राम को सुपुर्द करें, लेकिन रावण ने मानने से इनकार कर दिया। तब तक वो ऐसा कहा जाता है कि मंदोदरी एक महल में बंद हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने ना तो अपना मतलब महल से बाहर निकलना उन्होंने बंद कर दिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए गढ़, गिरी दुर्ग और हिल फोर्ट, मीन्स उन्हें 4 उसमें ऑप्शन दिए गए थे, पहला कुंभलगढ़, दूसरा नाहरगढ़, तीसरा मेहरानगढ़ और चौथा जूनागढ़, ठीक है। सो मैंने इसके अंदर आपको डिटेल में बताने के लिए कि 4 ऑप्शंस के बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है, जिससे आपको बेहतर नॉलेज मिल सके कि कुंभलगढ़ कहाँ है, मीन्स इस कुंभलगढ़ में एक जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है नियर उदयपुर सिटी वहाँ पे है, इसको राणा कुंभा ने बनाया था 15th सेंचुरी के अंदर। अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, नाहरगढ़ जो है जो जयपुर सिटी में है, बिल्ड बाय महाराजा सवाई जयसिंह ने बनाया था इसको 1734 के अंदर, और नाहरगढ़ इसका जो नाम लिखा गया था वो नार सिंह भूमिया जो था जिन्होंने इसको बनाया, एक कंस्ट्रक्टर था उसके नाम पर इसका रखा गया था। अगले ऑप्शन जो है मेहरानगढ़ है जोधपुर के अंदर, ये राव जोधा ने बनाया था उसको 1459 के अंदर, और ये मेहरानगढ़ आज भी इतना अच्छा गढ़ है कि काफ़ी इसको टूरिस्ट देखने चाहते हैं, और रास्ते गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, आज भी प्राइवेट अथॉरिटी में है, जिसको आज की तारीख में महाराजा गज सिंह इसकी देख रेख करते हैं। अब अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं, जूनागढ़ जो है बीकानेर के अंदर है ये, और जो ये अंडर द बनाया गया था अंडर द सुपरविजन ऑफ करणचंद, ठीक है, एंड ये जो करणचंद कौन एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ राजा राय सिंह, ठीक है, कब बनाया गया था जो 1571 से 1611 एडी के अंदर, ठीक है, और जो राजा राय सिंह जो थे वो वहाँ के बीकानेर के 6th राजा थे। तो इस हिसाब से मैं आपको 4 ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताया है, इस हिसाब से आप अपना राइट आंसर चूज कर सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर है वह जूनागढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन में जैसे आपके 4th नंबर का क्वेश्चन है इसको अपन देखेंगे, इन महाभारता विच ओ भीम्स वाइफ वाज द मदर ऑफ गटो
कच्छ, घटोकच्छ की जो मदर कौन थी, जो भीम की पत्नी भी थी। सो अगर ऑप्शन में अपन देखें तो ऑप्शन चार दिए गए हैं, द्रौपदी, हिडिंबी, वलंदरा और कली। सो हमें ऑप्शन वाइज अपन आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं कि द्रौपदी जो डॉटर थी, द्रौपदा की बेटी थी और मैरिड टू पांडव, पांच पांडव जो हुए थे उनसे इसने शादी करी थी। एक हिडिंबी जो है, हिडिंबी घटोकच की माँ थी, वो भीम की पत्नी थी। भीम ने कामाय का एक करके राज्य था, उसको जीतने के बाद में हिडम्बी से शादी की थी। हिडम्बी हिडम्बा की सिस्टर भी थी, ठीक है, और इसने कामाय का पे 5 साल के लिए शासन किया था। अगले उस ऑप्शन में बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है वलंदरा। वलंदरा जो थी वो भी भीम की पत्नी थी एंड प्रिंसेस ऑफ काशी, काशी की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी वो, एंड इनके जो बेटा हुआ था उसका नाम था सर्वगा। सो दोस्तों देख सकते हो कि आपको इन ऑप्शन से मैंने तीनों ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बता दिया, जिससे आप चूज कर समझ सकते हो कि आपसे अदर किस रिलेटेड क्वेश्चन भी आए तो उसका आप इजीली जवाब दे सको, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द ओनली क्रिकेटर टू बी अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड फॉर द ईयर 2018, 2018 में जिसको अवार्ड किसको मिला था। सो ऑप्शन थे स्मृति मानधना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर और जुलन गोस्वामी। सो इन चारों को वैसे तो अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन 2018 में स्मृति मानधना को मिला है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन चारों ऑप्शंस के बारे में और डिटेल में बताना चाहता हूँ कि जून 2018 में बीसीसीआई ने इनको इनका जो स्मृति मानधना का है बेस्ट वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट प्रपोज किया था। इन दिसंबर 2018 आईसीसी ने इनको रशियल हायो फ्लिंट अवार्ड से नवाजा था, ठीक है, और आल्सो उनका जो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर जो आईसीसी ने दिया था इनको 2018 के अंदर, ठीक है। अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं मिताली राज। मिताली राज को भी अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है 2003 के अंदर, ठीक है। मिताली राज को 2000 पद्मश्री भी मिला हुआ है 2017 के अंदर, और बीबीसी ने इनको 100 वुमेन लिस्ट में भी शॉर्टलिस्ट किया था। अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को भी अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है 2017 में, एंड फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर स्कोर 100 इन T20 वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में जो इन्होंने पहली 100 लगाई थी वो हरमनप्रीत कौर ने लगाई थी। अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जो थी 2007 में आईसीसी वुमेन ऑफ द प्लेयर थी, और 2010 में भी इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है, और 2012 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। सो दोस्तों देख सकते हो इन चारों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द हिंदी पोएटिक वर्क हुंकार एंड उर्वशी, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए थे, मैथिली शरण गुप्त, रामद्र सिंह दिनकर, देन भारतेंदु हरिश्चंद्रा एंड माखन लाल चतुर्वेदी। जो राइट आंसर जो है रामधारी सिंह दिनकर। ये सर कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो या हिंदू पोएट्री से रिलेटेड होंगे, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज हिंदू माइथोलॉजिकल करेक्टर्स इज नॉट ए सरपेंट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सामपति, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्लियामेंटरियन हैज हेल्ड द पोर्टफोलियोज ऑफ होम, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड फाइनेंस, एंड वाज आल्सो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था KBC11 के अंदर, जो कि आप कह सकते हो जिनको बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज हो वो लोग ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं बेटर डिटेल के लिए मैं आपको इन चारों ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। जो पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सब लोग कहते हैं कि वो लौह पुरुष से आयरन मैन थे इंडिया के, ठीक है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, इनको फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इन 1947 ये इंडो पाक वॉर के दौरान ये होम मिनिस्टर थे, ठीक है। इनको यूनिफायर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इनके लिए अभी मोदी सरकार ने स्टेचू ऑफ यूनिटी भी बनाया है, जो 182 मीटर की हाइट का है, ठीक है। तो इसका स्टेचू ऑफ यूनिटी जो बनाया है 31 अक्टूबर 2018 को इसका लॉन्च हुआ था ऑन इस बर्थडे, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। मीन्स आपको एक ऑप्शन से मैंने सारे काफ़ी सारे डिटेल दे दिए, तो इसके रिलेटेड आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको बेटर डिटेल में बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ।
हीरू भाई एम पटेल। हीरू भाई एम पटेल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी थे ये, कब से कब तक, 1979 से लेके 1979 जुलाई तक, मीन जनवरी 1979 से लेके जुलाई 1979 तक ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रहे थे। उसके बाद में फाइनेंस में आए थे मार्च 1977 से जनवरी 1979 तक रहे थे। उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे थे ये अक्टूबर 1947 से जुलाई 1953। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है अपने पास यशवंत राव चव्हाण। ठीक है, यशवंत राव चव्हाण जो था पहले मुख्यमंत्री थे आजाद महाराष्ट्र के। ठीक है, कब से कब तक, मई 1960 से नवंबर 1962 तक। उसके बाद में फिफ्थ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पांचवे उप प्रधानमंत्री थे इंडिया के। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रहे थे ये 1979 से जनवरी 1980 तक। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहे थे अक्टूबर 1974 से मार्च 1977 तक। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी रहे थे जून 1970 से लेकर अक्टूबर 1974 तक। उसके बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी रहे थे नवंबर 1962 और नवंबर 1966। सो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इकलौते यही है जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। सो हमारा जो सही आंसर होगा यशवंत राव चव्हाण। ठीक है, अब अगले ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो था चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जो थे छठे उप प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, कब से कब तक, दिसंबर 1989 से जून 1991 तक। और पांचवे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ये जुलाई 1987 से दिसंबर 1989 तक। सो चारों ऑप्शंस के बारे में बताया गया है, चारों ऑप्शंस की नॉलेज दी है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आने वाले आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्रियलिस्ट इज द लार्जेस्ट डोनर ऑफ हिज पर्सनल वेल्थ इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था कि कौन सा वो सब इन भारतवर्ष का इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने अपनी पर्सनल वेल्थ का मैक्सिमम अमाउंट डोनेशन दिया है इंडिया के अंदर। सो चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें पहला था नारायण मूर्ति, दूसरा था शिव नादर, तीसरा मुकेश अंबानी और चौथा अजीत प्रेम जी। जैसे चारों ऑप्शन देख सकते हो कि चारों नामी गिरामी अपने आप में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है अपने हमारे देश के। सो मैं चारों ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो नारायण मूर्ति है ये फॉर्मर इन्फोसिस थे, फॉर्मर इन्फोसिस में। ठीक है, इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है 2008 में, ये लीजन ऑफ होनर अवार्ड मिला है इनको 2008 में फ्रांस से, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2000 के अंदर। वो थर्ड हाईएस्ट डोनर रहे थे ये एज पर रिपोर्ट ऑफ एनडीटीवी इन जुलाई 2016, जुलाई 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक ये थर्ड हाईएस्ट डोनर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, शिव नादर। शिव नादर ने पांचवे डोनर रहे हैं 535 करोड़ डोनेशन के साथ में। एससीएल के फाउंडर हैं, इन्होंने अपनी एक ट्रस्ट बनाई है शिव नादर फाउंडेशंस, और इनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है 2008 में। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जियो आप सब लोग समझते हैं। ठीक है, इनका छठा स्थान रहा है हाईएस्ट डोनेशन के अंदर एज पर द रिपोर्ट एनडीटीवी और हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट के हिसाब से। इन्होंने 345 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है, किसके, स्वास्थ्य संबंधी चीजों के लिए डोनेट किया है इन्होंने, हेल्थ केयर से रिलेटेड से इन्होंने डोनेट किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ, अजीत प्रेम जी। अजीत प्रेम जी ने 27,514 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं इन्होंने एजुकेशन के लिए, इंडिया में एजुकेशन के लिए किया है, और इन्होंने अपनी फाउंडेशन भी बनाई है जिसका नाम है अजीत प्रेम जी फाउंडेशन। ठीक है, और इस फाउंडेशन से लगभग 3.5 लाख से ऊपर स्कूल्स को ये फंड कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो आपका आंसर हो जाएगा अजीज प्रेम जी की, जिन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ से काफी सारा डोनेट किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, सो व्हिच लास्ट कैमियो अपीयरेंस ऑन स्क्रीन वाज इन द हिंदी फिल्म जीरो। सो ऑप्शन थे रीता बहादुरी, श्रीदेवी, वीरू देवगन, कादर खान। आप देख सकते हो चारों ऑप्शन ऐसा है कि चारों रिसेंटली डेथ हुई है श्रीदेवी की दुबई के अंदर, आपको पता है कि बाथटब में उनकी लाश मिली थी। वीरू देवगन अभी रिसेंटली डेथ हुई है, कादर खान कनाडा के अंदर अभी एक्सपायर हुए हैं। सो आपका राइट आंसर है श्रीदेवी, जो जीरो मूवी के अंदर लास्ट अपीयरेंस हुई थी, और बाकायदा उनके नाम से ही उसमें किरदार था, क्योंकि जीरो मूवी जो शाहरुख खान ने बनाई थी उसके अंदर उनका ओरिजिनल खुद के नाम से ही उनका अपीयरेंस था। ठीक है, तो श्रीदेवी इसका आपका राइट आंसर है। सो दोस्तों,
आज का ये वीडियो अभी यहीं ख़त्म होता है। सो मैंने आपको यहाँ बेटर टू बेटर समझाने की कोशिश करी है, ऑप्शन वाइज आपको सारी चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। हो सकता है इसमें कहीं मुझसे त्रुटि रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। हो सकता है उनके लिए उनके आने वाले एग्जाम्स में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सके। धन्यवाद दोस्तों, वेट करिए अगले वीडियो को। रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट।